कराची में आज किसी किस्म की हड़ताल नहीं होगी। डीजी रेंजर्स कहते हैं शहरी मुकम्मल आजादी के साथ कारोबार खोलें, तहफ्फुज के लिए मौजूद हैं। कराची की पीआईबी कॉलोनी में रेंजर्स का सर्च ऑपरेशन। फारूक सत्तार कहते हैं इनके घर का मुहासरा किया गया। मुतहिदा का आज यौमे एहतजाज मनाने का ऐलान। रेंजर्स ने एमपीए कामरान फारूकी की गिरफ्तारी के लिए खत लिखा था। स्पीकर सिंध असेंबली कहते हैं शायद कुछ तफ्तीश करना थी। कराची सदर में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। दो अफगान बाशिंदों समेत 7 मुश्तबा अफराद जेरे हिरासत। मुल्तान में पुलिस और हसास इदारों का ईदगाह के गिर्द और उस्मानाबाद में सर्च ऑपरेशन। घर घर तलाशी के दौरान 4 अफराद गिरफ्तार। 12 मई 2007 को कराची में जिलाओ घेराओ। 2010 में यौमे आशूर पर धमाका किया। रेलवे ट्रैक्स पर हमले किए। भारत से तरबियत ली। दहशतगर्द बोल पड़े। भारतीय साजिशों को आलमी सतह पर उजागर किया जाएगा। जीएचक्यू में कौमी सलामती पर अस्करी और सियासी क्यादत के इजलास में फैसला। बहरे हिंद में भारत के जौहरी सरगर्मियों पर पाकिस्तान की तश्वीश। सरताज अजीज का अकवामे मुतहिदा में करारदाद लाने का ऐलान। कराची में गिरफ्तार रॉ दहशतगर्दों ने सईद भरम, सौलत मिर्जा, अजमल पहाड़ी और आमिर सरफेटा से मिलकर मुतअद्दिद वारदातों का एतराफ कर लिया। बनीगाला में इजलास शाह महमूद की। टीओआरएस कमेटी इजलास में हुकूमती रवैये पर ब्रीफिंग। पख्तूनख्वा के नाराज अराकीन के मामले पर भी गौर। स्पॉट फिक्सिंग केस के 6 साल बाद मोहम्मद आमिर गोरू के देश में बॉलिंग कराएंगे। बरतानवी हाई कमिश्नर ने वीजा मंजूर कर लिया। अमरीकी सदर से भारतीय वजीर आजम की मुलाकात। ओबामा कहते हैं एटमी ताबुन और साइबर सिक्योरिटी पर इत्तेफाक हुआ। हिलरी क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान सदारती इंतखाबात होने का इम्कान रोशन। दोनों न्यू जर्सी के प्राइमरी में कामयाब। मुल्क भर में दूसरा रोजा। बेशतर इलाके आज भी तारीकी में डूबे रहे। सिकटी पानी बिजली। यूनस ढागा कहते हैं लोड शेडिंग का मसला सिर्फ दही इलाकों में है। पंजाब की सकाफत में खुस्सों का मुनफरद मकाम। दौरे जदीद में भी रंग बिरंगे जूतों की मांग बरकरार। Today, now I feel. और थ्रिल और एडवेंचर से भरपूर हॉलीवुड फिल्म द लेजेंड ऑफ टार्जन की ट्रेलर की धूम।